हेलो एवरीवन, दिस इज लेक्चर नंबर 4th ऑफ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। दिस इज चैप्टर नंबर 13th ऑफ क्लास 10th फिजिक्स। तो बच्चों, अपन ने पिछले लेक्चर तक मैक्सवेल का थंब रूल सीख लिया था कि अगर थंब करंट की डायरेक्शन में है तो कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इंडिकेट करेगी। आज अपन टॉपिक सीखेंगे जिसमें अपन ये जानेंगे कि अगर कोई स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके आसपास कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसको ट्रेस करना सीखेंगे एक एक्टिविटी के थ्रू। तो बच्चों, ये लेक्चर नंबर 4 है। आप अपने आराम से कॉपी लेके बैठे हैं, नोट्स साथ में लिखते रहें वीडियो को पॉज करते हुए। तो देखिए, आज का टॉपिक अपन क्या ले रहे हैं इस चैप्टर का, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इन स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर अगर अपने पास है तो उसमें किस तरह का मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न रहेगा, यह अपन सीखेंगे। ठीक है, तो सपोज करिए अपने पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है। सपोज करिए एक स्ट्रेट कंडक्टर है, इमेजिन दैट। तो इसमें आसपास कैसा मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा वो चीज अपन सीखेंगे। देखिएगा, तो किस तरह से अपन करेंगे। सपोज करें अपने पास एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को नाम दे दिया पी क्यू। इसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न ट्रेस करना है। तो इस कंडक्टर को एक कार्ड शीट में से पास कर देना है अपन को। एक कार्ड शीट ले लें, उसके बीचों बीच में से इस कंडक्टर को पास कर दें और एक सर्किट बना दीजिए इस तरह से, बैटरी की, और ये कंप्लीट कर दें। एक काम करेंगे, इस कार्ड शीट पे कुछ आयरन की फिलिंग अपन बिखेर देंगे, इसके ऊपर कुछ आयरन की फिलिंग बिखेर दें। फिर क्या करना है, उसके बाद करंट ऑन करना है और इस कार्ड शीट को थोड़ा सा टैप करना है। टैप क्यों करना है, थोड़ा सा टैप करना। तो टैप क्यों करना है, ताकि मान लो आयरन फिलिंग और इस कार्ड शीट के बीच में कुछ बॉन्ड बन गया हो तो वो टूट जाए टैपिंग से। खाली आयरन फिलिंग किसके फोर्स के अंडर में आ जाए, मैग्नेटिक फोर्स के अंडर। तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे, आप ये ऑब्जर्व करोगे जो इसके आसपास आयरन की फिलिंग बिखरी हुई थी वो इस तरह से सर्कुलर ट्रैक में अरेंज हो जाएगी। तो क्या सीखे आप इससे, इस एक्टिविटी से क्या सीखे कि मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग्स, और उन सभी का सेंटर एक ही है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो एक बार फिर से देख लें, क्या बोला मैंने, मैंने बोला कि एक अपन ने कंडक्टर लिया, अपना एम क्या है, इस कंडक्टर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड को ट्रेस करना, ये अपना एम है। तो किस तरह से ट्रेस करें, ये एक्टिविटी अगर बोर्ड में आ जाएगी, एक एक्टिविटी के थ्रू ट्रेस करके बताओ तो क्या करना है। तो क्या करना है, कंडक्टर लेना है, उसको कार्ड शीट में से बीचों बीच से निकाल देना है, उस कार्ड शीट पर कुछ आयरन फिलिंग्स बिखेर देना है और उसको सर्किट को कंप्लीट कर देना है। स्विच ऑन करोगे और कार्ड शीट को टैप करोगे तो क्या होगा, आप क्या देखोगे, वो सारी आयरन फिलिंग सर्कुलर रिंग्स के रूप में जम गई। तो क्या समझे इससे कि कैसा है मैग्नेटिक फोर्स इन द फॉर्म ऑफ, फोर्स कैसा लग रहा है, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। अच्छा, अब इस फोर्स की डायरेक्शन पता करनी है तो कैसे करें, दो तरीके हैं। थंब रूल, थंब रूल से इस फोर्स की डायरेक्शन पता कर सकते हो कि कैसा लग रहा है क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज। क्या सीखे थे पिछले लेक्चर में, अगर थंब करंट की तरफ है तो कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन इंडिकेट करेगा, तो अगर ऊपर जा रहा है तो कैसा फोर्स लगेगा, एंटी क्लॉक। अच्छा, आप थंब रूल नहीं अपनाना चाहो, लेबोरेटरी में जाके बिल्कुल प्रैक्टिकली करना चाहो तो क्या करोगे, कंपास मिरर रख के देख लेना। तो कंपास मिरर रख के देखोगे इसके आसपास तो कैसी मुड़ जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाएगी। ठीक है, तो अब इसको अपन एक बार लैंग्वेज लिख देते हैं किस तरह से अपन इसको करें। तो क्या करा एक बार सीखें, एक कार्ड शीट लेनी है, एक कार्ड शीट लेनी है, बीचों बीच में से कंडक्टर निकाल देना है और इसको बैटरी से कनेक्ट कर देना है। इस कार्ड शीट के ऊपर कुछ आयरन की फिलिंग्स बिखेर देनी है, क्या करना है, कुछ आयरन की फिलिंग्स बिखेर देनी है और स्विच ऑन करना है और इसको थोड़ा सा टैप, हल्का सा टैप। तो जैसे हल्का सा टैप करोगे और फिर करंट ऑन कर दोगे, करंट ऑन करके हल्का सा टैप करोगे, बॉन्ड टूटेगा और उसके बाद आप ऊपर से देखना सारी आयरन फिलिंग सर्कुलर पैटर्न में अरेंज हो गई, इस तरह से पैटर्न दिखाई देगा। तो समझ गया ना किस तरह से है पैटर्न, इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो ये कंपास मिरर रखेंगे तो वो मुड़ी हुई दिख रही है अपन को, देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो
कैसा डिजाइन बनाई मैंने, सर्कुलर रिंग्स, और एग्जैक्टली इस तरह से ही बनेगा मैग्नेटिक फील्ड, ये लेबोरेटरी में टेस्टेड है। तो समझ गए कि कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो स्ट्रेट कंडक्टर के अराउंड कैसा होता है मैग्नेटिक फोर्स इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, और किस तरह से उसका डायरेक्शन पता करेंगे मैग्नेटिक फोर्स का, या तो थंब रूल, क्या बोलता है, अगर थंब करंट की तरफ तो कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फोर्स की तरफ, ये फोर्स की डायरेक्शन, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। या कंपास हैंडल रख दो एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाएगी, तो समझ जाना कि एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लग रहा है। ध्यान से देखें, इस तरह से सर्कुलर पैटर्न में जम जाएगा, कंपास हैंडल रखोगे तो इस तरह से वो मुड़ी हुई दिखेगी। तो कंपास हैंडल की मदद से तो फोर्स की डायरेक्शन पता कर ली, थंब से भी पता कर सकते हैं। तो ये है आपका एक्टिविटी टू ट्रेस द पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। तो देखो थ्योरी में क्या लिखना होगा, अगर ये एग्जाम में आ जाए बोले थ्योरी भी लिखो, तो सिंपल सी थ्योरी अपन बना सकते हैं। तो वी टेक अ कंडक्टर रॉड एंड पास इट थ्रू अ कार्ड शीट as shown in figure. जैसा figure दे रखा है उस तरह से कार्ड शीट को इसी बीच बीच में से निकाल दो, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग ओवर इट कुछ आयरन फिलिंग बिखेर दी, स्विच ऑन करंट, करंट स्विच ऑन करें, एंड टैप द कार्ड शीट, कार्ड शीट को क्या करो थोड़ा टैप करो, क्या ऑब्जर्व करोगे, वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स अलाइंस इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग्स। क्या दिखेगा, आयरन फिलिंग्स कैसे लाने हुए सर्कुलर रिंग, इससे क्या रिजल्ट निकला, इससे क्या कंक्लूजन निकला, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर is in form of concentric circles. तो एक बार शुरुआत से समझ लें, जो भी मैंने बोला जो भी लिखा हुआ है अपने नोट से बना लीजिएगा। तो we take a conductor rod, इसे conductor rod ले रखी है PQ, ठीक है, क्या करा, एंड पास इट थ्रू अ कार्ड शीट, एक कार्ड शीट में से पास करो एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दे रखा है वैसा सर्किट बना दो, स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग्स, आयरन के कुछ टुकड़े इसके ऊपर बिखेर दो कार्ड शीट के ऊपर, अब क्या करो स्विच ऑन करंट, करंट को स्विच ऑन कर दो, एंड टैप द कार्ड शीट, कार्ड शीट को थोड़ा सा टैप करो ताकि इसकी पकड़, कार्ड शीट की पकड़ आयरन फिलिंग से टूट जाए। वी ऑब्जर्व दैट, अपन क्या ऑब्जर्व करेंगे, आयरन फिलिंग्स अलाइंस इन फॉर्म ऑफ सर्कुलर रिंग्स, ऐसे रिंग्स के रूप में जम गई। क्या कंक्लूजन निकला इससे, क्या निष्कर्ष निकला, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर इज इन फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के रूप में होता है। अच्छा, डायरेक्शन के लिए क्या बताया मैंने, कभी कभी बोर्ड एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं कि भाई ये जो मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न बन रहा है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन रहे हैं, तो मैग्नेटिक फोर्स का जो पैटर्न बन रहा है उसका डायरेक्शन कैसे पता करोगे। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इज ऑब्टेन्ड विथ हेल्प ऑफ कंपास हैंडल
और मैक्सवेल थंब रूल, मैक्सवेल थंब रूल। तो फिर से देखो ये मैंने क्या लिखा, ये चीज क्या लिखी हुई एक बार फिर से देखो, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स बन रहा है भाई, आयरन फिलिंग सर्कुलर जम जाएगी ये तो बात ठीक है, सर्कुलर दिख रही है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है, फोर्स का डायरेक्शन तो आयरन फिलिंग से नहीं पता चलेगा, है ना। तो डायरेक्शन किसी मदद से चलेगा, कंपास हैंडल रख दो, अगर तुमने कंपास हैंडल रख दिया और वो कंपास हैंडल इस तरह से मुड़ गई एंटी क्लॉकवाइज, तो समझो एंटी क्लॉकवाइज फोर्स लग रहा है। या फिर एक और तरीका क्या है पता करने का, मैक्सवेल थंब रूल, एक तरीका और क्या है, मैक्सवेल थंब रूल। तो देखिए ये है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, तो एक बार फिर से सीख लो, क्या करा अपन ने, एक स्ट्रेट कंडक्टर लिया, उसके अपन ने सर्किट बना दिया, आयरन फिलिंग बिखेर दी, कंडक्टर के ऊपर टैप करा, करंट ऑन करने के बाद आयरन फिलिंग सर्कुलर पैटर्न से चम गई, तो पता चल गया ना एक्टिविटी थी, कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, तो सर्कुलर रिंग्स के रूप में होता है। तो कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, ये देख लिया, तो आंखों से तो दिखेगा नहीं आपको, डायरेक्ट देखोगे भी ये वायर है करंट जा रहा है, दिखेगा थोड़ी ना सर्कुलर रिंग्स, किसी चीज की मदद से वो ऑब्जर्व करा, कार्डशीट ले ली, आयरन फिलिंग बिखेर दी, टैप करा, आयरन फिलिंग सर्कुलर जम गई, तो इससे पता चला कि हाँ भाई फोर्स सर्कुलर लग रहा होगा, सर्कुलर रिंग्स के रूप में लग रहा होगा, तभी तो वो सर्कुलर ट्रैक में जमी है आयरन फिलिंग्स। देख ले बच्चों यहां तक आप नोट कर लें अच्छे से, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया है मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, लेक्चर नंबर 4 था ये अपना, जिसमें अपने मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ट्रेस करना सीखा, किसमें सीखा, एक स्ट्रेट कंडक्टर में, बोर्ड एग्जाम में ये 3 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कि एक एक्टिविटी के थ्रू समझाओ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होता है स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर में। तो वीडियो को पॉज करके आप अपने नोट्स बना लें अच्छे से, स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आप अपने अच्छे से इनको लिख लें, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में आए हैं, बिल्कुल बोर्ड में बिल्कुल आप अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए बच्चों तो अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 5 में अपन एक सर्कुलर लूप के अराउंड कैसा होता है मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न, ये अपन पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लें, यहाँ तक पुराने लेक्चर्स भी देख लें, अपने नोट्स तैयार रख लें, बिल्कुल डेली आप टच में रहें। गुड बाय।